आज हम मिल रहे हैं आनंद कुमार जी से मॉरिशियस में। यहाँ पर एक अवार्ड फंक्शन में जो आईएमटी ट्रस्ट ने ऑर्गेनाइज किया था, इसमें हम लोग आए हुए हैं। आज आनंद कुमार जी यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर है। आनंद कुमार जी से मिलने का मौका मिला, प्रेसिडेंट ने आज मॉरिशियस के आनंद कुमार जी को सम्मानित किया आईएमटी ट्रस्ट की तरफ से। मैं आनंद कुमार जी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आनंद जी, जैसे आपकी मूवी एक आई है सुपर 30, वो आपकी जिंदगी से कितनी रिलेटेड है? बहुत रिलेटेड है, बायोपिक ही है, इसलिए उस फिल्म को बनाने के लिए हमारे स्क्रिप्ट राइटर ने, डायरेक्टर ने 2 साल तक उस पर रिसर्च किया। कई दफा पटना आए, बच्चों से मिले, बच्चों के गांव घर गए, तब जाके फिल्म बनी। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सुपर 30 की आपकी इंस्पिरेशन क्या थी और ये मिशन क्या है? ये सुपर 30 हम लोग इसलिए शुरू किए थे कि हमारा एडमिशन कैम्ब्रिज में हो गया था, जाने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन हमारे पास हवाई जहाज का खर्चा तक नहीं था, नहीं जा पाया। पिताजी का सडन डेथ हो गया और सारी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर आई। लेकिन बार बार मुझे ये लगता था कि आगे चलकर मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। पापड़ भी बेचा, गलियों में भटका, लेकिन फाइनली फिर निर्धन बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। सर, कैसे आप स्टूडेंट्स को चुनते हैं? हम लोग हर साल एक टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट में जो जो बच्चे उस लायक होते हैं, जिनमें प्रतिभा है, जिनमें क्षमता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं, उसको हम लोग सिलेक्ट करके अपने घर लाते हैं। माताजी खाना बनाती है, भाई देख रेख करता है, ये प्रोग्राम चलता है। सर, जो बच्चे आपके पास से पास आउट करके गए हैं, उनकी कुछ सक्सेस स्टोरी बताएंगे? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। हमारे पास एक लड़का है दीपक, जो कि दीपक पाठक के पिताजी ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करवाते थे तो मंत्र भूल जाते थे क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। तो अंत में स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो बकरी चराने का काम करने लगा परिवार। तो उस गरीबी से हमारे पास आया, पढ़ा लिखा, आईआईटी खड़गपुर गया और बहुत अच्छा कर रहा है। वशिष्ठ नंदन के पिताजी मामूली कमाने वाले थे, लेकिन बच्चा बहुत मेहनती था, अभी आईएफएस ऑफिसर है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें कई आईएएस आईपीएस या माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में अच्छी अच्छी जगह पर बच्चे। वाह सर, बच्चों पे इंडिविजुअल अटेंशन कैसे दे पाते हैं? किसी बच्चे रहते इसलिए हर बच्चों से प्यार हो जाता है, चूँकि वो हमारे साथ ही रहते, हमारी माँ के और भाई के हमारे संगत में रहते, दिन रात मिलना जुलना होता है, हॉस्टल भी घर के सटे हुए है, तो घर में ही चलता है ये। अरे वाह, इसलिए एक पारिवारिक माहौल हो जाता है, वो परिवार के अंग जैसे हो। सर, भारत में आप सुपर 30 को जैसे आप क्या से मानते हैं कि सुपर 30 अब कैसे चेंज करेगा हमारे भारत की एजुकेशन सिस्टम? क्या है कि सुपर 30 के शुरू होने के बाद सुपर 30 के तर्ज पर बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हुए। कुछ लोगों का गलत इरादा था, डोनेशन लेना है, पैसे कमाना, लेकिन बहुत लोगों ने अच्छा भी काम किया है। अभी हम इंदौर गए थे तो वहाँ ADM एक मिले जो कलर की तैयारी सुपर 30 के नाम से कराते हैं, कितने बच्चों की जिंदगी बना दी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सरकार है, पंजाब गवर्नमेंट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट है, आसाम गवर्नमेंट, कई गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार है, सुपर 30 के तर्ज पर लोगों को तैयार कर रही है। बिहार सरकार भी कुछ बच्चों को तैयारी करवाने जा रही है। तो इससे क्या हुआ ना कि एक मुहिम चला जिससे बच्चों का लाभ हुआ। दूसरा, जो बच्चा सुपर 30 में नहीं है, जो बाल दाढ़ी काटने वाला बच्चा है, छोटा सा बाल काट रहा है, उसके मन में भी एम्बिशन पैदा हुआ कि नहीं, मेहनत करके सेल्फ स्टडी से कुछ किया जा सकता है। ये गरीबों में एक होप पैदा है। और हमारे टीचर्स को आप क्या बताना चाहेंगे कि वो क्या चेंज लाए अपने टीचर्स को बनाना चाहिए कि बच्चों से प्यार करें, बच्चों को अपना समझे, सोचे कि इनका भविष्य बनना ही मेरा भविष्य है, इतने गहराई से पढ़ाए, उनको कभी डांटे नहीं, ऐसा ना पूछे हट ये तो 8वां क्लास का सवाल है, तुम नहीं बना पाते हो, 12th के बच्चों को लोग डांटते, ऐसा ना करके बच्चों को हाउ एंड व्हाई पढ़ाए, उनको इंटरेस्टिंग तरीके से समझाए ताकि सब्जेक्ट से बच्चों को प्यार हो जाए। सर, इतने समय में जितना आपके पास ख्याति है, आप मतलब पीपल आर क्रेजी अबाउट यू, आपका मन कभी नहीं करा कि पैसे कमाने का, फ्रेंचाइजी देने का और आगे बढ़ने का? लोगों से जो प्रेम मिलता है, लोग इंस्पायर होते, अच्छा काम करते, ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपका कभी मन नहीं करा सर फ्रेंचाइजी वगैरह देने का? नहीं कभी। सर, मैंने आपको एक चीज और आपने ऑब्जर्व किया, आप फिटनेस फ्रीक भी हैं, आप कैसे समय निकालते हैं सर फिटनेस के लिए? कोई फिटनेस के लिए कुछ नहीं करते, बस खुश रहते हैं। खुश रहने से बड़ा कोई तरकीब नहीं है फिट रहने का।
और बाकी फिटनेस के लिए तो हमारे विशाल जी बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनाते हैं, लोगों को मंत्र बताते हैं, वो जरूर आप उसको फॉलो करिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है, शरीर से बड़ी पूंजी और कुछ भी नहीं है, इसलिए विशाल भाई के टिप्स को जरूर फॉलो करिए। सर मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हमारे देश का हर बच्चा, आज तो हम गूगल हर जगह पे पहुंच चुके हैं, अमेरिका के हर कंपनी में हम लोग हैं, आपके बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे, वो क्या करें क्या ना करें? अगला स्टेप बच्चों के लिए है कि गूगल जैसी कंपनी बनाए, फेसबुक का मालिक बने, अगला स्टेप यही है, यही अब भारत में होने जा रहा है, हम लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। सिलेक्शन कैसे हो बच्चों का, कैसे IIT वगैरह में कैसे बच्चे जाएं, ये भी थोड़ा मेहनत करते रहिए, धैर्य को मत खोइए, थोड़ी बहुत असफलताओं से घबरा के मत भागिए, आपका एक न एक दिन सवेरा आपके जीवन में होगा, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि कोशिशें बरकरार रहनी चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और IIT ट्रस्ट में राजेश जी हमारे साथ बैठे, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से आज आनंद जी से मिलने का मौका मिला, और आनंद जी कमाल के इंसान है, मैं खुद इंस्पायर हुआ हूँ और पूरा देश पूरी दुनिया इनसे इंस्पायर्ड है। थैंक यू वेरी मच सर।